कुछ महीना पहले अपना क्षेत्र बिराखाप गांव में दो पारा टीचर रामदेव सोरेन और पुष्पा कुमारी का वेतन 4 साल से रुका हुआ था। मैंने उसके ऊपर में एक वीडियो बनाया था। ना मर रहे हैं ना जी रहे हैं, ऐसा हो गया है। अभी अभी शुरू से जब हम लोग करोना था अभी तक यही। रोज खुलता है या कभी कभी? रोज रोज खुलता है। टीचर लोग आते हैं कि नहीं? आते हैं। मैंने उन दो शिक्षकों का समस्या को डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इकट्ठा किया और जिला उपायुक्त डॉक्टर मनीष रंजन को दिखाया तथा उस समस्या को हल करने का आग्रह किया। 4 साल से ऐसे मेहनत करने के बाद वीडियो वॉलंटियर के लोग यहाँ पर आए पहुँचे, हम लोग का समस्या देखें और इस फिल्म के द्वारा लोगों तक हम लोग को समस्या पहुँचा। इसके बाद जो जिला उपायुक्त हैं उन्होंने हम लोग को फिल्म देखें, हम लोग का समस्या को समझें, फिर हम लोग का वेतन शुरू हो गई है। हम लोग को 18 महीने का पेमेंट किया गया है, इसमें हम लोग का 90 हज़ार रुपया बना है। सही मायने में मीडिया में बहुत ताकत है। इस वीडियो को देख के change.org के साथ साथ जितने भी लोगों ने इस समस्या को हल करने में मदद की है उन सबों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने पूरी कम्युनिटी को मोबिलाइज किया। इन टीचर्स से हमने पूछा कि इन्हें क्यों नहीं सैलरी मिल पा रही है। एक्चुअली द कम्युनिटी पूरे पंचायत लेवल को उसे अप्रूव करना था, विच द प्रोसेस वॉज नॉट कम्प्लीटेड। हम लोगों ने 15 दिनों में उसे कम्प्लीट कराया और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि उन लोगों को 90,000 रुपीज़ दोनों को अलग अलग दे दिया गया है। नाउ दे आर वेरी हैप्पी। हम लोगों ने वहाँ विजिट भी किया था, बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। मैं पुनः आप सब लोगों को फिर से थैंक्स कहना चाहता हूँ और भविष्य में भी मैं इस साइट को और जो वीडियो वॉलेंटियर्स की साइट है उस पर मैं देखता भी रहूँगा कि इस तरह की कोई समस्या हो तो उसे मैं दूर करूँगा। हजारीबाग जिला के उपायुक्त डॉक्टर मनीष रंजन ने बताया इन दोनों टीचरों को आगे भी वेतन मिलता रहेगा। मुझे और गांव वालों में खुशी है, मेरा वीडियो ने इन दोनों टीचरों का रुका हुआ वेतन दिलाया। मैं चुनू हासदा, हजारीबाग झारखंड से, इंडिया अनहर्ट के लिए।